आई एम ओ क्लास फोर क्वेश्चन पेपर टू थाउजेंड सिक्सटीन सेट ए क्वेश्चन वन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज सेम एज द प्रॉब्लम फिगर ओके प्रोब्लम फिगर जो हमको दिया गया है उसका सेम फिगर हमको ऑप्शन में से ढूंढना है तो अगर हम ऑप्शन ए देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो ग्रे सर्कल है और यहाँ पे ब्लैक है सो ऑप्शन ए नहीं है ऑप्शन बी अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल गलत है तो ऑप्शन बी भी नहीं है अगर ऑप्शन सी हम देखेंगे तो वो सेम टू सेम प्रॉब्लम फिगर के जैसा ही है तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर two. इफ द गिवन क्लॉक इज thirty-three minutes स्लो देन द करेक्ट टाइम आफ्टर twenty-five मिनट्स विल बी डे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टेन अगर हम ये क्लॉक देखेंगे जो हमको दिया गया है यहाँ पे तो उस पर जो टाइम दिख देखेंगे वो है नाइन 9:42. टू नाइन फोर्टी टू अभी ये क्लॉक जो है वो थर्टी थ्री मिनट स्लो है सो so हमको नाइन फोर्टी टू में थर्टी थ्री मिनट्स एड करना है तो अभी का हमारा करंट टाइम जो आएगा राइट right टाइम वो होगा नाइन सेवेंटी फाइव मीन्स टेन फिफ्टीन अभी उस हमको पूछा गया है टाइम आफ्टर ट्वेंटी फाइव मिनट्स तो टेन फिफ्टीन उसमें हम ट्वेंटी फाइव मिनट्स एड करेंगे तो हमारा टाइम आएगा टेन फोर्टी सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जो दिखा रहा है ऑप्शन ए में जो क्लॉक है वो उसका टाइम है टेन फोर्टी क्वेश्चन नंबर थ्री हु इज द स्टैंडिंग टू द साउथ वेस्ट ऑफ मोहित करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको साइड दी ही है ऊपर की साइड है नॉर्थ तो उसके ऑपोजिट होगा साउथ ये हमको दिया गया है तो उसके ऑपोजिट जो आएगा वो होगा ये नॉर्थ ये साउथ इस तरफ वेस्ट और ये ईस्ट तो मोहित मोहित जो है वो यहाँ पे खड़ा है और उसका साउथ वेस्ट होगा ये ये होगा मोहित का साउथ वेस्ट तो साउथ वेस्ट पे खड़ा है समर्थ सो so, हमारा आंसर इज ऑप्शन ए समर्थ क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वेयर दैट मस्ट बी एडेड शो दैट द लाइन पी क्यू बिकम्स अ लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा आंसर है सी थ्री अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे हम एक स्क्वेयर एड करते हैं और ये हमारा सेकंड और यहाँ पे हम एक स्क्वेयर एड करेंगे तो ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी तो आंसर थ्री स्क्वेयर वो वन टू एंड थ्री स्क्वेयर क्वेश्चन नंबर लेक्ट द इनकरेक्ट मैच द आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड तो दो वर्ड जो दिया गया है वो है मेजरमेंट तो आंसर इज ऑप्शन ए मास्टर अगर हम ऑप्शन बी देखेंगे तो मेंटल चूंकि एल एल जो उसमें लेटर है वो मेज़रमेंट की स्पेलिंग में नहीं है अगर सी हम देखेंगे तो आई आई शब्द आई जो लेटर है वो मेज़रमेंट की स्पेलिंग में नहीं है और अगर हम ऑप्शन डी देखेंगे तो उसमें डबल एस है जो कि दिए गए स्पेलिंग में नहीं है एक ही सिंगल एस है तो हमारा आंसर है ए क्वेश्चन नंबर सेवन इन शॉर्ट एन कोड लैंग्वेज लेटर्स आर कोडेड एज फॉलोज तो हमको लेटर्स दिए गए हैं और उसके सामने नंबर कोड दिया गया है फाइंड द कोड ऑफ द गिवन वर्ड हॉन्स तो अगर हम लेटर्स को नंबर में क... दिए गए नंबर कोड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन नंबर पैटर्न। ओके अगर हम नंबर पैटर्न देखेंगे तो ये हम देखेंगे 17 से नाइनटीन वन का डिफरेंस है 19 से 22, टू सॉरी 17 टू नाइन्टीन टू का डिफरेंस है टू 19 22 टू थ्री का डिफरेंस है ट्वेंटी टू 26 सिक्स फोर और 26 से यहाँ पे हमको ये नंबर ढूँढना है और यहाँ से यहाँ तक तो अगर हम नंबर पैटर्न देखेंगे तो टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव और प्लस सिक्स आएगा तो अगर ट्वेंटी सिक्स प्लस फाइव हम करते हैं तो आएगा थर्टी वन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी थर्टी वन क्वेश्चन नंबर नाइन सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द पैटर्न इन फिगर एक्स ओके okay, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ये फिगर अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर टेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द गिवन शेप एक्स इज एक्जेक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट करेक्ट आंसर इस ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर इलेवन द एन लिस्ट सो names of ऑफ द who are इन द environmental क्लब What फ्रैक्शन ऑफ नेम्स आर स्टार्टिंग विद अल्फाबेट एम ओके तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स है एट टोटल स्टूडेंट है एट फोर प्लस फोर एट उसमें से एम लेटर से स्टार्ट होने वाले नाम जो है वो है मोहित मेहुल और मृणाल थ्री तो हमारा आंसर आएगा थ्री एट ओके टोटल एट स्टूडेंट उसमें से थ्री एम लेटर वाले स्टूडेंट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर फोम बाय द डिजिट एट सिक्स नाइन फोर थ्री यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस ओके तो दिए गए डिजिट से अगर हम पहले लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो वो होगा नाइन्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी थ्री और उसी डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होगा Thirty four thousand six hundred eighty nine or difference I guess sixty three thousand nine hundred fifty four. So correct answer is option A. Question number 13. The cost of notebook, bag, pencil box and paper clip are given in the box. वॉट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ पेपर क्लिप अ बैग एंड अ नोटबुक ओके तो हमें यहाँ पे ये सारे कॉस्ट दिए गए हैं जो कि है रोमन न्यूमरिक में तो so, हमें इसको सबसे पहले हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो okay. so, आएगा नोटबुक रुपीज एट्टी सिक्स बेग रुपीज़ वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव पेंसिल बॉक्स रुपीज सिक्सटी सेवन पेपर क्लिप रुपीज ट्वेंटी फाइव ये हमने कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा है अभी हमको टोटल पूछा गया है अ पेपर क्लिप अ बैग एंड अ नोटबुक ओके तो पेपर क्लिप है रुपीज ट्वेंटी फाइव बेग वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव एंड नोटबुक एटी सिक्स तो उसका टोटल करेंगे तो आएगा टू हंड्रेड सिक्सटी सिक्स जो कि है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द नंबर ओके तो यहां पे हमको पहले दिया गया है आई एम अ टू डिजिट इवन नंबर तो यहां पे इवन नंबर है वो सिर्फ दो ही है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं है वो दोनों ओड नंबर है। अभी सेकंड हमको बोला गया है आई एम ए कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ सिक्स एंड सेवन ओके तो फोर्टी टू एंड एट्टी फोर आर कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ सिक्स एंड सेवन तो ये भी करेक्ट है सिक्स यहाँ पे मैंने दोनों मल्टीपल लिखे हैं अभी थ्री में हमको बोला गया है आई हैव अ टोटल ऑफ एट फैक्टर्स ओके तो अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो 42 के टोटल एट फैक्टर्स आएंगे वन टू थ्री सिक्स सेवन फोरटीन ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और अगर एट्टी फोर के फैक्टर्स हम काउंट करेंगे तो वो आएंगे ट्वेल्व टोटल टोटल ट्वेल्व फैक्टर्स है जो कि है गलत हमको एट फैक्टर्स बोला गया है आई हैव अ टोटल ऑफ एट फैक्टर्स तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द सम ऑफ टू नंबर लैक्स फोर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेल्व वन ऑफ द नंबर इज फोर लैक्स नाइन्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइंड द अदर नंबर ओके हमारा आंसर है ऑप्शन बी ओके यहाँ पे जो हमको एक नंबर दिया गया है टोटल नंबर दो नंबर का टोटल जो हमको दिया गया है वो है सिक्स लैक्स फोर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व उसमें से एक नंबर अगर हम माइनस करेंगे तो हमको वो हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा तो ये जो टोटल सम हमको दिया गया है उसमें से जो एक नंबर हमको दिया गया है वो अगर हम लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है वन लैक्स फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एंड ट्वेल्व ये नंबर ये दोनों नंबर अगर हम एड करेंगे तो हमारे ये टोटल आएगा सिक्स लैक्स फोर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व जो कि यहाँ पे दिया गया है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इफ वन वोटोमिलन प्लस वन एप्पल इज इक्वल टू नाइनटीन के जी फाइव वोटोमिलन प्लस वन पेयर प्लस थ्री एप्पल्स इज इक्वल टू नाइन्टी फोर के जी एंड वन वोटोमिलन वॉस पेयर इज इक्वल टू नाइनटी टू के जी देन दट ऑफ एंड एप्पल ओके यहाँ पे हमको एक एप्पल का वेट सर्च करना है तो करेक्ट तो हमको क्या सबसे पहले हमको क्या दिया गया है ये नाइनटीन के जी वन वोटोमिलन एंड वन एप्पल इज नाइनटीन के जी तो हम ये लिख सकते हैं कि थ्री वोटोमिलन प्लस थ्री एपल्स इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन के जी नाइन्टी थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री तो ये हमको मिल गया वन फिफ्टी सेवन और दूसरा हमको यहाँ पे दिया गया है वन वोटोमिलन प्लस वन पेर इज इक्वल टू नाइन्टी टू के जी सो यहाँ पे पहले हमको मिला गया है फिफ्टी सेवन मिल गया है थ्री वोटोमिलन प्लस थ्री एपल्स तो थ्री वोटोमिलन प्लस थ्री एप्पल्स प्लस वन वोटोमिलन एन पेर इज इक्वल टू सेवेंटी नाइन आएगा फिफ्टी सेवन ये प्लस ट्वेंटी टू के जी ये ओके okay, तो वो आगा सेवेंटी नाइन हमको मिला है अभी यहाँ पे हमको दिया गया है फाइव वोटोमिलन प्लस वन पेड़ प्लस थ्री एप्पल्स इज इक्वल टू नाइनटीन फोर के जी नाइन्टी फोर के जी हमको दिया गया है तो अगर उसमें से हम ये जो वैल्यू हमको मिली है थ्री मिलन थ्री एप्पल्स और थ्री मिलन प्लस थ्री एप्पल वो है सेवेंटी नाइन हमारे पास है और वन वोटोमिलन इन वन पे वो जो दोनों का टोटल हो सेवेंटी नाइन हमको मिला है तो नाइन्टी फोर में से अगर ये सब वैल्यू हम लेस करेंगे तो हमको मिलेगी वन वोटोमिलन की वैल्यू जो कि है फिफ्टीन नाइन्टी फोर माइनस सेवेंटी नाइन इज इक्वल टू फिफ्टीन ओके तो अभी हमको यहाँ वन वोटोमिलन एंड वन एप्पल जो नाइनटीन के जी दिया गया है उसमें से अगर हम ये वन वोटोमिलन की जो वेट है वो लेस करेंगे तो हमको मिल जाएगा वन एप्पल नाइनटीन माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू फोर के जी तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए फोर के जी क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन फाइंड द पेरामीटर ऑफ गिवन फिगर ओके okay, तो यहाँ पे हमको एक फिगर दिया गया है जिस ओके okay, उसका पिरामिड हमको सर्च करना है। तो सबसे पहले यहाँ की लेंथ हमको पता करनी हो होगी जो कि होगी नाइन सेंटीमीटर ये नाइन है तो ये नाइन रहेगी और ये नाइन है तो ये भी आएगी नाइन सेंटीमीटर ये तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है नाइन अभी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमको सर करनी है तो ये यह यहाँ पे है नाइन प्लस नाइन एटीन तो यहाँ की भी हमको मिलेगी एटीन जो मैंने यहाँ पे लिखी है और फिर यहाँ से यहाँ अभी सबसे पहले यहाँ से लेंथ हमको इसकी लेंथ हमको पता करनी है तो ये है ट्वेल्व प्लस यहाँ से यहाँ तक की ट्वेल्व ये ट्वेल्व हो जाएगी फिर यहाँ से यहाँ एटीन ये यह। नीचे की लाइन नीचे की ये जो लेंथ है वो हमको टोटल मिलेगी ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस एटीन जो कि हो गई फोर्टी टू सेंटीमीटर जो मैंने यहाँ पे लिखी है अभी हम इस सब की टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी थर्टी एट सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर एटीन इफ़ द लेटर डैश इज रिमूव फ्रॉम द लेटर्स गिवन बिलो द डोटेड लाइन विल बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ई एच और आई जो है वो अभी सिमेट्री का लाइन से है अब और अगर हम इसमें से जे छ को निकाल देंगे तो ये जो लाइन है वो हो जाएगी सिमेट्रिकल लाइन तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 19 द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी तो हमको इसमें लेंथ ए बी फाइंड आउट करनी है तो ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल से बना हुआ है स्क्वायर की फोर साइड इक्वल रहती है और रेक्टेंगल की ओपोजिट साइड इक्वल रहती है तो ए बी इज इक्वल टू एच सी आएगा ओके ये रेक्टेंगल की फोर साइड इक्वल होती है तो अगर ये साइड एट सेंटीमीटर जो कि हमको दिया गया है तो ये फोर बाकी की साइड भी एट सेंटीमीटर होगी और यहाँ पे हमको डी से सी की लेंथ दी गई है सेवन सेंटीमीटर ओके तो H से D और G से H की हमको दी गई है सिक्स सेंटीमीटर तो ये जो H से D हमको मिलेगी वो मिलेगी टू सेंटीमीटर जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टोटल यहाँ से यहाँ की एट सेंटीमीटर है एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर तो एच डी हमको मिला टू सेंटीमीटर और डी से सी की लाइन हमको दी गई है सेवन सेंटीमीटर एच प्लस सी हमको मिलेगा टू सेंटीमीटर एच सी एच से सी तक की लाइन हमको मिलेगी सेवन प्लस टू जो कि है नाइन ओके okay? और एच सी इज इक्वल टू ए बी तो ए से बी की लेंथ भी होगी नाइन सेंटीमीटर तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नाइन सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द बास्केटबॉल क्लब इन 2015 एंड 2016 थाउजेंड सिक्सटीन okay, ओके यहाँ पे हमको एक टेबल दिया गया है जिसमें 2015 के मेंबर्स का लिस्ट और 2016 में कितने मेंबर्स थे वो दिया गया मेन वुमेन बॉयज एंड गर्ल्स ओके तो अगर हम उसका टोटल करेंगे तो 2015 का टोटल आता है 12,000 इलेवन एंड 2016 का टोटल हमको मिलेगा 13,019 दोनों का डिफरेंस आएगा 1,008 सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉर अ वेडिंग डेकोरेटर्स हैव टू फिक्स वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी फ्लावर्स इन द हॉल इफ दे हैड ऑलरेडी फिक्सड नाइन हंड्रेड एट्टी फाइव फ्लावर्स हाउ मेनी मोर फ्लावर्स डू दे हैव टू फिक्स टोटल टोटल फ्लावर्स फिक्स करने हैं ट्वेल्व थाउजेंड सॉरी uh, 1250 थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी जिसमें से नाइन हंड्रेड एट्टी फाइव ऑलरेडी उसने कर दिए तो उसका आंसर आएगा तो वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी माइनस नाइन हंड्रेड एट्टी फाइव तो आंसर हमारा है टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव सो ऑप्शन बी है टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अ फार्म हैज़ फोर हंड्रेड थर्टी सेवन रोज ऑफ मैंगो ट्रीज विथ वन हंड्रेड एट ट्रीज इन ईच रो हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर धेर इन द ओके तो सिंपल है हमारा आंसर आएगा फोर हंड्रेड थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड एंड एट तो हमारा आंसर आएगा फोर्टी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स जो कि है आंसर सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द परेड एट द कार्निवल स्टार्टेड एट फाइव ट्वेंटी फाइव पी एम एंड फिनिश एट सेवन ट्वेंटी पी एम वट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द परेड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अगर हम फाइव ट्वेंटी फाइव टू सिक्स ट्वेंटी फाइव काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा वन और सिक्स ट्वेंटी फाइव से लेकर सेवन ट्वेंटी जो सेवन ट्वेंटी तक का टाइम हमको मिलेगा फिफ्टी फाइव मिनट्स तो करेक्ट आंसर इज वन और फिफ्टी फाइव मिनट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द डिस्टेंस बिटवीन रियाज होम एंड स्कूल इज फोर एंड थ्री टेंथ किलोमीटर एंड दैट ऑफ राजूस इज वन एंड हाफ किलोमीटर

उसको कन्वर्ट करेंगे इम प्रॉपर फ्रैक्शन में तो वो है गा टेन फोर फोर्टीन प्लस थ्री फोर्टी थ्री टेंथ उसमें से हम माइनस करेंगे राजू के होम और स्कूल का डिस्टेंस जो हमको दिया गया है फाइव वन वंस प्लस वन सिक्स फाइव ओके okay. तो ये आएगा अभी हमको इस दोनों को कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तो अगर हम इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा टेन तो ये फोर्टी थ्री टेंथ माइनस यहाँ पे टू यहाँ पे टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स टू 12 एंड 5 टू 10, ओके okay? 43 10, ओके okay. तो अब हमें क्या करना है ये 10 तो हमारा सेम रहेगा डिनोमिनेटर 43 माइनस 12, 43 माइनस 12, जो कि हमारा आएगा 31, तो 31 जो आंसर है डी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है अगर हम इसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा थर्टी वन 31 प्लस सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द एन्युअल एग्जामिनेशन वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स चिल्ड्रन डिवाइड तो करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फिफ्टी सिक्स जो की है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हाउ मेनी पीसीस ऑफ रिबिन मेजरिंग फोर्टी फाइव सेंटीमीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम अ रोल ऑफ रिबिन मेजरिंग फिफ्टीन मीटर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो so, वो हमारा वो हमको मिलेगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो ये फिफ्टीन मीटर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो जो फिफ्टीन मीटर है वो हो जाएंगे फिफ्टीन हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर तो वो हमको मिलेगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर अभी हमको उसको इंच फोर्टी फाइव सेंटीमीटर इच में कट करना है तो सिंपल है डिवाइड करेंगे वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फोर्टी फाइव तो हमको टोटल मिल लेता है आंसर आता है थर्टी फाइव सेंटीमीटर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी थर्टी फाइव सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अ गार्डनर प्लान टू प्लांट फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्रीज इन ट्वेंटी थ्री रोज इच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ट्रीज हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी इन ईच रो ये भी सिंपल है 4600 सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थ्री तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आई वेंट फॉर अ जर्नी विथ थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज ऑन द फर्स्ट डे आई स्पेंड रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी ऑन द सेकेंड डे रुपीज़ फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी एंड ऑन द थर्ड डे रुपीज़ टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी एट हाउ मच मनी डू हैव नाउ आई हैव नाउ सॉरी तो अगर हम सबसे पहले ये जो मैंने स्पेंड किया है उसका टोटल करेंगे फर्स्ट डे फर्स्ट डे का है 12,350 सेकंड डे का है 5,980 एंड थर्ड डे थर्ड डे का खर्च है मेरा 10,798 जो मैंने स्पेंड किया है थर्ड डे को तो तीनों थर्ड डे सबको मिला के टोटल खर्च आएगा ट्वेंटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एट जो मैंने टोटल स्पेंड किए हैं रुपीज़ वो है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एट तो मेरे पास सबसे पहले था थर्टी टू थाउजेंड हंड्रेड उसमें से टोटल स्पेंड जो किए हैं वो माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा थ्री थाउजेंड फाइव जो कि है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन सोनिका वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एट वन फिफ्टीन पी एम हर फादर टोल्ड हर टू बी बेक होम इन वन और फोर्टी फाइव मिनट्स वट टाइम डज सोनिका नीड टू बी एट होम ओके तो सबसे पहले हम वन फिफ्टीन पी एम में अगर वन और एड करेंगे तो वो हमको मिलेगा टू फिफ्टीन पी एम टू फिफ्टीन पी एम टू फिफ्टीन पी एम में अगर हम ये फोर्टी फाइव मिनट्स एड करेंगे तो हमको मिलेगा थ्री पी एम तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी थ्री पी एम क्वेश्चन नंबर थर्टी ऑन ट्यूजडे ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटीन पीपल वॉच द क्रिकेट टेस्ट मैच ऑन वेंसडे ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पीपल वॉच द मैच ऑन थर्सडे द अटेंडेंस वॉज थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी सेवन वोट वॉज द टोटल अटेंडेंस फॉर दिस थ्री डेज तो उसके लिए हम टोटल करेंगे ट्यूजडे वेनेसडे और थर्सडे ओके okay? तो वो हमारा आंसर आएगा एटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी नाइन जो कि है ऑप्शन सी टोटल बॉयज़ और गर्ल्स हमको दिए गए हैं ट्वेंटी एट सो बॉयज़ इज इक्वल टू गर्ल्स प्लस सिक्स सो हम इसको इसे लिख सकते हैं बॉयज़ बॉयज़ की जगह पे हम लिखेंगे गर्ल्स प्लस सिक्स तो गर्ल्स प्लस सिक्स प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एट सो टू टाइम गर्ल्स और सिक्स को हम इस तरफ ले जाएंगे तो so, हो जाएंगे ट्वेंटी एट माइनस सिक्स सो टू टाइम गर्ल्स इज इक्वल टू ट्वेंटी टू और टू को हम अगर इस तरफ ले जाएंगे तो वो ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा तो वो आएगा इलेवन सो गर्ल्स इज इक्वल टू इलेवन बॉयज है वो सिक्स मोर है तो बॉयज़ इज इक्वल टू इलेवन प्लस सिक्स सेवेंटीन ओके नंबर थ्री

और उसमें से वन फिफ्थ है बॉयज तो वन फिफ्थ हो जाएगा सेवन सेवन ओके सेवन फाइव सेवन सार थर्टी फाइव तो सेवन अभी हमको गर्ल्स तो ये जो सेवन है वो बॉयज की संख्या नंबर ऑफ बॉयज है वो सेवन मिले और हमको आर आर गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है तो वो आएगा थर्टी फाइव माइनस सेवन जो कि है ट्वेंटी एट तो आर नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमको मिली वो आएगा ट्वेंटी एट okay, तो हमारा आप ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर है पी एट क्यू सेवेंटीन एंड आर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू Who among the following students made the correct statement? Okay, summer, summer. Two ninth and four eighteenth are equivalent fraction. तो वो right है correct statement है हम देखेंगे तो अगर फोर एटीन है इसको हम simplest form में convert करेंगे तो वो हो जाएगा टू नाइन्थ फोर एटीन दोनों को हम numerator और denominator दोनों को टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा टू नाइन्थ यह इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है तो दोनों इक्वल है टू नाइन्थ फोर एटीन सो समर्थ इज करेक्ट केवलिन टू फ्रैक्शंस आर इक्वेलेंट व्हेन दे हैव सेम डिनोमिनेटर्स जो कि गलत है ओके दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट टू फ्रैक्शंस आर Proper uh, two fractions are like fraction when they have same denominators. Mohit two fractions are equivalent when they have same value. Mohit ka statement hai wo right This is right statement. So, correct answer is option C. Samarth than Mohit. Question number 33 How many more squares of side 1 centimeter must be added? टू द गिवन फिगर टू फोम स्क्वेयर ऑफ साइड फाइव सेंटीमीटर ओके यहाँ पे हमको फाइव सेंटीमीटर का फाइव बाई फाइव सेंटीमीटर का स्क्वेयर बनाना है अगर फाइव बाई फाइव का स्क्वेयर हमको बनाना है तो हमको टोटल चाहिए ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर और हमको यहाँ पे दिए गए है वन टू थ्री फोर एंड फाइव स्क्वेयर तो अगर हम ये ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी करेंगे सॉरी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ट्वेंटी तो ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर में से जो दिए गए फाइव स्क्वेयर है हम लेस करेंगे तो बाकी के ट्वेंटी स्क्वेयर हमको इसमें ऐड करने पड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर फाइंड पी माइनस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय एस ओके यहाँ पे हमको ये डिवीजन दिया गया तो हम उसको पहले पूरा डिवीजन यहाँ पे मैंने साइड पे करके रखा है सेवेंटी एट थाउजेंड सॉरी सेवन लाक्स एट्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थ्री तो ये जब पूरा हम डिवीजन यहाँ पिक करेंगे तो हमको ये सारी वैल्यू मिल जाएगी पी क्यू आर एस ओके तो यहाँ पे हमको ये लिखा है और पी इज इक्वल टू फोर क्यू इज इक्वल टू फोर आर इज इक्वल टू एट और एस हमको मिला है टू तो हमको बोला गया है पी माइनस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई एस फोर माइनस फोर प्लस एट डिवाइडेड बाई टू तो हमारा आंसर आएगा फोर जो कि है ऑप्शन ए सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव मैच द फॉलोइंग ओके यहाँ पे हमको को, दो कॉलम दी है कॉलम वन एंड कॉलम टू जो हमको मैच करनी है तो फर्स्ट है वेन नंबर एक्स इज मल्टीप्लाइडेड बाई टेन एंड धैन डिवाइडेड बाई फोर द रिजल्ट इज थ्री हंड्रेड नाइन्टी दैन एक्स इज तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये प्रोसेस रिवर्स करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी तो थर्टी 390 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 1560 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमको 156 मिलेंगे जो कि है x की वैल्यू तो ये फर्स्ट है वो है 100 फिफ्टी सिक्स सेकंड सेकंड हमको बोला गया है देर आर फिफ्टी सिक्स क्रेड्स ऑफ ऑरेंज ट्वेंटी फोर ऑरेंजेस नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑल टूगेदर आर सो हमको टोटल ओरेंजेस ओके तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ईच ग्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर जो हमको यहाँ पे दिया गया है ट्वेंटी फोर ऑरेंजेस तो और फिफ्टी सिक्स क्रेट तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा वन थाउजेंड 344 तो सेकंड हमको मिला पी थर्ड हमको दिया गया है सबस्ट्रैक सब्ट्रैक्ट 3987 फ्रॉम द सम ऑफ 4687 एंड ट्वेंटी तो सबसे पहले हम अगर ये सम करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 32767 उसमें से हम सब्टेक्ट करेंगे थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी सेवन तो हमारा आंसर आता है ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी तो थ्री हमको मिला एस द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ नाइन विथ ट्वेल्व इज ओके तो सेकंड मल्टीपल ऑफ नाइन आता है एटीन नाइन टूज एटीन प्रोडक्ट ऑफ 18 with 12 तो एटीन मल्टीप्लाई by 12 हमको मिला 260 तो so 260 हमारा आएगा आर तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा फर्स्ट फर्स्ट क्यू सेकंड पी थर्ड एस एंड फोर आर फोर आर जो कि है ऑप्शन बी फर्स्ट क्यू सेकेंड पी थर्ड ए सेंड फो आर